साधारण कैलेंडर एक जबरदस्त चीज है, हर घर में होती है, हर स्कूल में होती है। उसमें तमाम नंबर पैटर्न्स छिपे होते हैं, हम रोज देखते हैं और देखने के बाद में भी उनको नहीं देखते हैं। आज हम ये जनवरी 2012 के कैलेंडर में कौन कौन से नंबर पैटर्न छिपे हैं उनको देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें खड़ी जो लाइन है उसको देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम मास्क कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ढक देंगे और उसमें देखेंगे किस तरह के अद्भुत नमूने छिपे हैं। अगर आप 1 और 7 को जोड़ते हैं तो उनका योग 8 हो जाता है, जो 4 का दुगना है। इसी तरह से अगर आप 2 और 6 को जोड़ते हैं तो उनका योग 8 है, जो 4 का दुगना है। 3 और 5 भी 8 होते हैं, जो 4 का दुगना है। यानी इन सातों खड़े अंकों का औसत जो है वो मध्य अंक 4 है। इन सब का योग क्या होगा, 7 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, 28 हो जाएगा। कितना आसान है, गणित के अंदर यही है कि बच्चे नमूने को देख पाए, नमूने को पहचानना, ये बहुत ही एक अहम चीज है विज्ञान और गणित के अंदर। इसी तरह से हम एक और खड़ी रेखा की पंक्ति देखेंगे जिसमें नंबर है। अभी देखिए, ऊपर का नंबर 22 और नीचे का नंबर 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो गया, जो 25 का आधा है। 23 और 27 भी 50, 25 का आधा। 24 और 26 का भी औसत 25 होगा। यानी इन सातों अंकों को अगर हमें जोड़ना हो तो 25 को आप 7 से गुणा कर दीजिए और 175 इनका योग आ जाएगा। कितना आसान है, चुटकी के अंदर आप बहुत सारे अंकों को जोड़ सकते हैं। अब हम एक लेटी रेखा लेंगे, ये है सोमवार। अब ये देखिए, 5 ही सोमवार हैं, 1 2 तारीख को, 1 9 तारीख को, 1 16 तारीख को, 23 और 30 को, इनके अंदर भी एक अंकगणितीय श्रेणी जैसी छिपी है। आप यहां देखिए कि 2 और 30, ये जनवरी 2012 का कैलेंडर है, 2 और 30 का योग हो गया 32, जो 16 का दुगना है। 9 और 23 भी 32, जो 16 का दुगना है। यानी इन सब अंकों का औसत 16 है, 5 से गुणा कीजिए, 16 × 5 = 80। 9, 2, 9, 16, 23, 30 एक अंकगणितीय श्रेणी है, कितनी सुंदर बात है। अब हम एक और एक लेटी पंक्ति लेंगे जिसमें केवल 4 अंक है, इसको भी हम एक मास्क से ढक देंगे। अब ये देखिए, यहां पर मध्य अंक नहीं है पर यहां पे जोड़ियां बनती हैं। 5 और 26 = 31 हो गए, 12 और 19 का योग भी 31 है। अब 31 और 31 को जोड़ा तो 62 हो गया। कितना आसान है अंकों को जोड़ना, बहुत जरूरी है कि बच्चे एक नमूना देख पाए। अब हम क्या करेंगे, इसी कैलेंडर के अंदर जो क्रॉस अंक है, 1 और 9, अब ये 3 और 11 = 14 हो गए, 4 और 10 = 14 हो गए। इसी तरह से हम एक और देखेंगे, 15 और 23 हो गए 38, और 16 और 22 का योग भी 38 हो गया। यानी क्रॉस अंकों का योग एक बराबर होता है, ये अपने अंदर एक बड़ी खोज है। और इसके बाद हम थोड़ा सा ज्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं, भाई 2 बाय 2 की ग्रिड की बजाय हम 3 बाय 3 की एक खांचा लेंगे जिसके अंदर 9 अंक होंगे। अब इसके अंदर के नमूने देखेंगे, 1 और 17 हो गया 18, जो 9 का दुगना है। 3 और 15 = 18, 9 का दुगना। 2 और 16 का औसत 20 का अंक 9। 8 और 10 भी इसी तरह से इनका औसत 9 होगा। यानी इस ग्रिड के अंदर जो 9 अंक हैं उन सबका औसत या एवरेज 20 का अंक 9 है। यानी अगर 9 को आप 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, जो इन सब अंकों का योग होगा। कितनी आसान बन जाती है गणित और कितनी मजेदार जिंदगी के साथ में आप उसका एक रिश्ता देख पाते हैं। इसी तरह से हमें एक और 3 बाय 3 की ग्रिड लेंगे, यहाँ 12 और 28 का योग हो गया 40, जो 20 का दुगना है। इसी तरह से 14 और 26 का योग 40, 20 का दुगना। 13 और 27 का योग 40, जो 20 का दुगना। इसी तरह से जो 19 और 21 है इनको भी जोड़ेंगे तो 40, इनका औसत भी 20 है। इन 9 अंकों का औसत कितना हो गया, 20 का अंक 20, और 9 से गुणा करेंगे तो 20 × 9 = 180, इनका योग हो गया। कितने सुंदर नमूने छिपे हैं कैलेंडर के अंदर, रोज देखते हैं उसके बाद में भी नहीं देखते। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी ग्रिड लेंगे, एक आयताकार जिसके अंदर 12 अंक हो। इनमें के अंदर के आप अब आप नमूने देखिए, ये 12 अंक हैं, 1 और 18 को जोड़िए तो 19 हो जाता है, 4 और 15 को जोड़िए फिर 19 हो जाता है, 2 और 17 = 19, 3 और 16 = 19, 8 और 11 = 19, और बीच के 2 अंक हैं 9 और 10, वो तो 19 है ही। यानी यहाँ 12 अंकों के अंदर की 6 जोड़ियाँ बनेंगी और हर एक का औसत होगा 19। इन सब 12 अंकों का योग कितना होगा,
19 गुणा 6, कितनी मजेदार गणित है। ये कार्यक्रम जो है नंबर वन विद ए कैलेंडर, ये पी के श्रीनिवासन नाम के एक बहुत ही प्रख्यात गणितज्ञ थे, चेन्नई में रहते थे। उन्होंने एक 100 प्रश्नों की किताब लिखी थी नंबर वन विद ए कैलेंडर, और ये कार्यक्रम उसी किताब से प्रेरित है। आशा है आप भी कैलेंडर के अंदर और नए नए नमूने खुद खोजेंगे।